अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवाना किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया है तो ये वीडियो देख लेना, क्योंकि आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं, आपके घर की लाइफ कम हो सकती है। तो कुछ ऐसी बातें मैं आज करने वाला हूं जो आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को समझा देनी है कि अगर हमारे घर में ऐसा किया तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो कुछ चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ और लाइव साइट पर जाके दिखाऊंगा। नहीं तो आप कहते हो कि सर किताब पर बता दिया, हमें पता नहीं चला, लाइव दिखाओ। तो आज साइट पर चलेंगे, अलग अलग साइट पर जाएंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें हैं जो आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को बताना है, और उससे आपके घर की लाइफ डबल भी होगी और अच्छे से घर आपका बनने वाला है। सामने हमें दिख रहे हैं कॉलम, प्लिंथ बीम हो चुका है, कॉलम की कास्टिंग की दो लिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन एक गलती यहां कॉलम में कर दी गई है। वो क्या गलती की है, आप सामने देख रहे हो ऑफसेट पड़ा हुआ है कॉलम में, मतलब अप्रोक्स 40 से 45 mm कॉलम हमारा बाहर है, किससे, प्लिंथ बीम से। तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्यों, क्योंकि जो हमारा लोड ट्रांसफर होने वाला था वो प्लिंथ बीम नीचे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था कॉलम से लेके नीचे, लेकिन यहाँ इसके नीचे तो प्लिंथ बीम ही नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ी गलती है। ये गलती हुई कैसे है, यहाँ पे स्टार्टर, मैंने जब लास्ट टाइम भी वीडियो लाई थी, स्टार्टर नहीं किया था। स्टार्टर आप नहीं करोगे प्रॉपर, आप लाइन डोरी नहीं करोगे कॉलम की, तो ऐसी गलती होनी होनी है, क्योंकि ये क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, कॉलम को तो सीधा रखते हैं, भले वो नीचे से आगे पीछे हो जाए, ऊपर से वो सीधा कर देंगे, तो उस ऐसे कॉलम का कोई फायदा नहीं होता है। बहुत बड़ी गलती होती है, ये आपको कभी नहीं करनी है। चलो जी, एक हम दूसरी साइड पर पहुंच चुके हैं, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ब्रिकवर्क चल रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, ब्रिकवर्क चल रहा है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, कई जगह पे 9 इंच की दीवार है, कई जगह पे 4 इंच की दीवार है। जहाँ 9 इंच की दीवार है, चलो ठीक है, वहाँ पे हमें चलेगा कि हम 7 फुट पे जाके टाई बीम दे देंगे या लिंटल बीम दे देंगे, लेकिन यहाँ पे 4 इंच की दीवार है तो वहाँ तो सीधा 1500 हाइट से भी ऊपर चले गए हैं और यहाँ कुछ प्रोवाइड नहीं किया है। तो एक बहुत बड़ी गलती होती है, आपको ऐसा कभी नहीं करना है। पहले मैं 4 इंच की, मैं आगे बताने वाला हूँ कि कहाँ 4 इंच की देनी है, कहाँ 9 इंच की, लेकिन यहाँ क्या करना है, देखो जहाँ भी आपकी 4 इंच की दीवार आती है ना, वहाँ पे आपको बैंड प्रोवाइड करना है। कैसा, क्या बैंड प्रोवाइड करना है, वो कंक्रीट बैंड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, आपको हर 1500 mm पे आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है, तो आपकी दीवार कभी भी अर्थक्वेक भी आ जाए, कुछ भी नहीं होगा, हिलेगी नहीं। लेकिन अगर आप कंक्रीट बैंड नहीं प्रोवाइड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको हर 1500 mm पे ऐसा कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है। सामने आप देख रहे हो ना, मतलब यहाँ तो 12 mm का सरिया यूज़ किया गया, आप 2 10 mm या 8 mm का सरिया, मैं नहीं ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि हमें सिर्फ एंकरेज चाहिए, हमें कोई लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो एंकरेज के लिए 8 mm का आप सरिया यूज़ करिए, यू शेप के आप रिंग यूज़ करिए, तो वो आप हर 1500 mm पे पूरी 4 इंच की दीवार में कर लीजिए। जहाँ जहाँ हमारी पार्टीशन आ रही है ना, वहाँ वहाँ कर लीजिए। हो गई दिक्कत क्या, होगी दिक्कत ये, अगर 4 इंच की दीवार में ये सब नहीं करोगे ना, तो सीधा अगर हाथ से भी धक्का मारोगे ना, पूरी दीवार हिलेगी, और अर्थ के एक जब आ गया तो वो बात रही घर गिरने की, तो वो तो गिर ही जाएगा। तो ये चीज़ है, आपको ये प्रोवाइड करना, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है इस प्रैक्टिस के बारे में, लेकिन आपको ये छोड़नी नहीं। और दूसरी चीज़, 4 इंच की दीवार वहाँ मत प्रोवाइड करिए जहाँ पे आपकी बिजली की तारें, वहाँ कंडक्ट पाइप आने वाली है, वहाँ पे 4 इंच की दीवार मत यूज़ करना। मैं आगे बताऊँगा, एक जगह यूज़ की थी लेकिन वहाँ पे गलती क्या की, जब उसको कंडक्ट पाइप डालने के लिए तोड़ा जा रहा था तो आर पार देखना स्टार्ट हो गया, तो वो दीवार की कोई कीमत नहीं रही। लेकिन अभी एक चीज़ हम समझते हैं, अभी समझते हैं कि हमें 4 इंच की दीवार और 9 इंच की दीवार कहाँ देनी होती है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि हमें एक अंदर अंदर हाइट कितनी रखनी है, 8, 10, 12 फुट जितनी भी, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। चीज समझने वाली है, एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है जो हमारा, और एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। लोड बेरिंग हो गया हमारा कि जिसमें कोई कॉलम नहीं होगा, बीम नहीं होगा, सीधा स्लैब का लोड होगा जो सीधा दीवारों पे आएगा। उस टाइम पे उसमें आपको ध्यान देना है कि आपको 9 इंच की दीवारें दो, जितना पॉसिबल हो 9 इंच की दीवार करो। बाहर की जो दीवार रहती है मेन दीवार, फेरी फेरी की, मतलब चारों तरफ की दीवार, वो हमेशा आपको 9 इंच की देनी है। किसमें, लोड बेरिंग में, जिसमें कोई कॉलम और बीम नहीं है उसमें 9 इंच की दीवार देनी है। और अंदर की पॉसिबल हो तो 9 इंच की दो, मैं नहीं बोलता कि पार्टीशन 4 इंच की वॉल दो उसमें, क्योंकि अगर कॉलम नहीं है, फ्यूचर में अगर आपको एक्सटेंशन करना पड़ा घर का ऊपर, तो अगर आपने 9 इंच की दीवार दी होगी तो आप बेझिझक ऊपर बना सकते हो अगली स्टोरी। तो हमेशा ध्यान देना है आपके जो लोड बेरिंग होगा उसमें आपको 9 इंच की दीवारें रखनी है। अगर पार्टीशन रखना है तो उसमें रख दो, अगर बाथरूम है या पूजा रूम है या किचन की कोई एक आधी दीवार, बाकी बाहर वाली दीवारें और मेन अंदर की दीवारें सारी 9 इंच की दीवारें आपको रखनी ही रखनी है। ये एक पहला रूल है।
अभी बात करूं मैं 4 इंच की दीवार की, तो 4 इंच की दीवार देखो फ्रेम स्ट्रक्चर है अगर आपका, जहां कॉलम बीम प्रोवाइड किया है वहां क्या है, दीवारों पे तो कोई लोड आने नहीं वाला है, तो वो वहां आप 4 इंच की दीवार प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन बाहर जो मैंने जैसे कहा फेरी फेरी बाहर वाली दीवारें जो है वो आप 9 इंच की रखो, थोड़ी सेफ्टी भी रहती है और क्या है अगर बाय चांस कोई सेटलमेंट हुआ कॉलम वगैरह का या बीम का, तो वो जो लोड होगा स्लैब का वो दीवारों पे आके सेफली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। और ऐसे क्या गलती की जाती है कि जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसमें लोग क्या करते हैं पूरी टोटल 9 इंच की दीवारें प्रोवाइड कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उनका, पैसा वेस्ट है, 4 इंच की दीवार यूज़ करो। जहां बेसिकली क्या होता है मतलब 17 से 18 फीट हो गया वहां कॉलम के डिस्टेंस ज़्यादा हो गया वहां प्रोवाइड कर दो दीवार, कोई दिक्कत नहीं है 9 इंच की, क्योंकि थोड़ा सेफ रहेगा। में सीलिंग जो रहती है अंदर अंदर हम कितना हाइट दें घर का कि हमारी घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नहीं बढ़े और वो परफेक्ट रहे, मतलब कोई उसमें दिक्कत नहीं आई लास्ट में। क्योंकि जब पंखा वंखा लगा देंगे नीचे फ्लोरिंग वोरिंग हो जाएगी तो क्या हो हाइट छोटी नहीं हो जाएगी बाद में वो दिक्कत करे, तो इसीलिए पहले डिसाइड किया जाता है कि मिनिमम सीलिंग हाइट कितनी देनी चाहिए। बहुतों के दिमाग में आता होगा कि सर 12 फीट दे दें, 10 फीट दे दें, 8 फीट दे दें, तो जो परफेक्ट हाइट है वो कितनी देनी चाहिए वो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। मैं थ्योरेटिकल पार्ट इसका स्टार्ट करता हूं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक एग्जांपल के साथ हम जाएंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं है क्या क्या चीज है। सामने आप देख रहे हो ये मैंने स्लैब बनाई हुई है और ये आ गया हमारा FFL लेवल। FFL लेवल मतलब आ गया हमारा फिनिश फ्लोर लेवल, जिसमें आपकी टाइलिंग हो चुकी है, आपने टाइलिंग करवाई है या फ्लोरिंग जो भी मार्बल फ्लोरिंग करवाई है वो उसके ऊपर से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर से ये अगर नीचे हमारी मार्बल आ गया मतलब ये टाइल हो गया, यहां से फ्लोरिंग से ऊपर जो छत का छत मतलब टॉप होगा स्लैब का उधर से आपको कितना देना है 10 फीट, ना आपको 8 फीट देना है ना 12 फीट, परफेक्ट जो रहता है हाइट में 10 फीट इज द परफेक्ट आंसर। क्यों? इसमें ना आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी घर की 10 फीट में और ये परफेक्ट रहेगा। क्यों क्यों परफेक्ट रहेगा मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। आपको फ्लोरिंग के टॉप से छत का टॉप कितना देना है 10 फीट, हमेशा याद रखना जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करोगे आप, आपको 10 फीट ही देना है, क्योंकि ये डिपेंड है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं थंब रूल। बाकी कई जगह पे कंस्ट्रक्शन और कम कास्ट करने के लिए मतलब एक माला और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक स्टोरी एक्सटेंड करने के लिए क्या करते हैं, स्लैब की हाइट कम कर देते हैं मतलब अंदर अंदर कम कर देते हैं। लेकिन ये आपके रेजिडेंशियल घर के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको कितना देना है 10 फीट, कितना यहां से यहां तक। अभी 9 फुट 6 इंच क्या देख रहे हो आप, 9 फुट 6 इंच क्या है, जो 10 फुट है उसमें से हमने स्लैब माइनस कर ली तो हमारा कितना बचा 9 फुट 6 इंच, मतलब अंदर अंदर कितना आपका होना चाहिए 9 फुट 6 इंच। यही लेके चलो अगर आपको 10 फुट का मतलब नई आइडिया हो रहा है फ्लोरिंग से टॉप तक, तो अंदर अंदर जो भी आपका घर होगा ये स्लैब आ गई आपकी स्लैब का बॉटम और ये फ्लोरिंग का टॉप, यहां से यहां कितना होना चाहिए आपका 9 फुट 6 इंच, ये याद रखना, ठीक है 9 फुट 6 इंच। अभी क्या होता है जब भी मतलब अगर हमारा ये हो गया 9 फुट 6 इंच, अभी हम पंखा लगाएंगे ऊपर घर में, अगर कोई पंखा लगेगा तो उसकी मैक्सिमम कितना हो जाता है 1.5 फुट की हाइट होती है 1.5 फुट की, तो ये मैंने कर लिया 1.5 फुट। अभी क्या करेंगे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 9 फुट 6 इंच था हमारा जो अंदर अंदर डिस्टेंस था, तो अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो अगर वो अपना हाथ भी ऊपर करेगा मैक्सिमम, अगर मैं इधर रखूं ये आदमी खड़ा हो गया, इसने अपना हाथ ऊपर किया, ये हमने ले लिया कि मैक्सिमम वो कितना हो जाएगा 6 फुट 6 इंच तक होता है, लेकिन हम 7 फुट लेके चलते हैं, चलो 7 फुट, ठीक है 7 फुट ये आ गया, 1.5 फुट का ये पंखा आ गया और बीच में कितना फिर भी हमारा कितना बच रहा है 1 फीट, 12 इंच ले लो या 1 फीट हमारा फिर भी जगह बच रही है, तो ये परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट हो गया, हमारी इतनी जगह भी बच रही है और इसमें हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। तो नॉर्मल हमारा कितना हो गया अगर हम पंखे के नीचे से लेंगे 7 फुट 6 इंच हमारा बच रहा है जगह, ठीक है ये हो गया हमारा, ठीक है ये हो गई हमारी एक एग्जाम्पल, इससे हमारा क्लियर हो गया। और दूसरी चीज जो हमारे बाथरूम वगैरह रहते हैं या पूजे रूम वगैरह रहते हैं तो उसकी मतलब जरूरी नहीं है मिनिमम हाइट 6 फुट 8 इंच आप दे सकते हो, क्योंकि उसमें ना आपको फैन लगाना है ना कुछ, किचन में आपको देना पड़ेगा, किचन में जितना एरिया यहां दिया हमें 7 फुट 6 इंच वहां हमें उतना प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन बाथरूम हो गया, टॉयलेट्स हो गए, ये वॉशिंग एरिया हो गया, वहां आप 6 फुट
आठ इंच अंदर अंदर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सामने आप देख रहे हो क्या गलती दिख रही है आपको, आइडिया लग गया होगा कि कॉलम में हमारी गलती हुई है। गलती क्या हुई है, यहाँ कॉलम को आप देखना, जो सामने कॉलम आपको दिख रहा है, आपको थोड़ा टिल्ट दिख रहा है, वो मतलब टेढ़ा दिख रहा है दूसरे कॉलम से। अगर मैं थोड़ा कैमरे का पोजीशन आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ वीडियो में थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन कम से कम इस कॉलम में 30 से 40 mm का फर्क है। मतलब जो सेकेंड लिफ्ट भरी गई है कॉलम की, वो टेढ़ी भरी गई है। क्यों, क्या हुआ है, प्रॉपर से प्लम्बॉब नहीं किया गया। मतलब उसका जब ऊपर का फर्मा लगाया, बार का जो शटरिंग किया वो अच्छे से नहीं किया, साउल उसमें नहीं किया, प्लम्बॉब उसमें नहीं किया, और ऊपर का जो कॉलम है वो टेढ़ा हो गया। तो ये कॉलम फेल ही कहाँ से होगा, जहाँ पे इसका जॉइंट है। जब इस पर लोड होगा ट्रांसफर, तो लोड प्रॉपर, देखो कोई भी लोड है वो डायरेक्ट नीचे जाना चाहिए, तो ये लोड क्या होगा, थोड़ा टिल्ट होके जाएगा, तो आपका जो कॉलम होगा उसमें क्रैक्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े ही दिनों में। उसके बाद धीरे धीरे वो फेल हो सकता है स्ट्रक्चर। तो कॉलम जो होना चाहिए आपका बिल्कुल वर्टिकल, मतलब सीधा कॉलम होना चाहिए, पिलर आपका थोड़ा भी टीढ़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। मतलब टॉलरेंस होती है, लगा लो आप आधे इंच तक टॉलरेंस ले सकते हो, आधा इंच में बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आधे इंच से ज़्यादा है तो उस कॉलम को आपको नहीं रखना चाहिए, दोबारा उसकी कंस्ट्रक्शन आपको करनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी हम खराब कंस्ट्रक्शन में गिनेंगे। देखो यहाँ जहाँ जॉइंट है उस जॉइंट को प्रॉपर से नहीं किया, स्टब कॉलम ये किए हुए हैं, लेकिन उसमें जो कंक्रीट के मैं देखता हूँ रेशो भी ख़राब है, और इसको शटरिंग का प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया। इसमें एक तो लेबर एक्स्ट्रा लगेगी, इसको जब प्रॉपर शीलना पड़ेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा कंक्रीट है वो निकालना है जो, और इसमें लोड तो आने नहीं वाला है इतना, लेकिन ये फेल हो सकते हैं अगर थोड़ा भी लोड इसमें आया तो। प्रॉपर से इसमें कंपैक्शन भी नहीं हुई है और इसका प्रॉपर से शटरिंग भी की नहीं गई है। तो ये जो गलती की गई है सामने, ये बहुत बड़ी गलती है, ये आगे मैं इसको और अच्छे से समझाने वाला हूँ। लेकिन गलती क्या है इसमें, देखो कॉलम और जो ब्रिक का जॉइंट बन रहा है, आप देख रहे हो गैप कितना है इसमें, ना इस कॉलम में हाकिंग गई है, ना इसमें कोई नीरू मारा गया है कॉलम पे पहले, ब्रिक का जॉइंट बनाने से पहले। अगर ऐसा जॉइंट रहेगा तो जो कॉलम और ब्रिक का क्रैक आपने देखना है, प्लस्टर आपका ये प्लस्तर में क्रैक दिखने लग पड़ता है। तो आपको जब भी ये करना है, जहाँ ब्रिक आने वाली है ना, उस एरिया को रफ कर लो, और यहाँ पे जो सीमेंट और सीमेंट की पेस्ट ही, सीमेंट की पेस्ट कॉलम पे लगा लो, मतलब लगा लो एक इंच तक लगा लो, उसके बाद जो ब्रिक है वो प्रॉपर से वहाँ पकड़ करेगी। और एक अच्छा प्रोसेस अगर आपको करना है, इसको हर 3 से 4 फीट पे आप सरिया ड्रिल करिए, और एक 8 mm का सरिया उसमें रहेगा, तो जो जॉइंट रहेगा, जो प्रॉपर बॉन्ड रहेगी कंक्रीट और ब्रिक में, वो इससे अच्छी नहीं होगी। जब एक बार ये बॉन्ड बन जाती है, इसको और सही से कैसे करना है तरीका, इसका मैं आगे आपको बताता हूँ। तो वहाँ मैंने एक मिस्टेक देखी, सामने आप देख रहे हो कि जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो आप देख सकते हो कि क्या हालत है। मतलब स्टैगर्ड अपनी ईंटें आप देख रहे हो, ऊपर नीचे एक तो ये लगाई हुई हैं, दूसरा इसमें गैप देख रहे हो कितना ज़्यादा है बीच में ब्रिक में। ये बहुत बड़ी ज़्यादा गलती है जो आपके घर में क्रैक ला सकती है। इस गलती को कभी नहीं होने देना आपको घर में। और इसकी अच्छी प्रैक्टिस क्या है, मतलब अच्छे से कैसे करें कि आपके घर में क्रैक नहीं आए, वो चीज़ में मैं आगे आपको बताऊँगा। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ नोटिस करवा दूँ कि गलती हुई क्या है। जो ब्रिक वर्क है, एक तो ना तो वो लाइन में है, ना उसमें कुछ ग्रूव वगैरह बनाया गया है, कुछ इंटे बाहर निकली हैं। इससे होगा क्या, देखो जो गैप बीच में बच जाता है ना, या आपको काफ़ी जगह दिख रहा होगा कि 2-2 इंच का गैप है, वो गैप जब प्लास्टर करते हैं तो वो अच्छे से फिल नहीं हो पाता है, और वो बच जाता है उसमें गैप, और बाद में जो थोड़ी भी नीचे सेटलमेंट हुई तो वो गैप बड़ा क्रैक क्रिएट कर सकता है आपकी दीवार में। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी उसमें लगेगा आपका प्लास्टर बहुत ज़्यादा, मतलब वो खर्चा जहाँ आपका लगना होगा 10,000, वहाँ वो लग जाएगा 12,000 रुपया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब चीज़ है। जब भी आप करवाओ, आपको क्या ध्यान देना है, कैसे आपकी ग्रूव बना होना चाहिए। सामने आप देख रहे हो दीवार, ऊपर की दीवार और बीच में एक लेयर है, जो बीच की लेयर है वे फ्लॉप एक नंबर, मतलब कुछ नहीं है, ये आपकी ख़राब लेयर। लेकिन जो ऊपर की है उसमें प्रॉपर वे से ग्रूव बनाया गया, और सामने जैसे आप देख रहे हो इसमें ग्रूव तो बनाया गया लेकिन काफ़ी छोटा ग्रूव है। इससे क्या होगा, आपका जॉइंट प्लास्टर से नहीं बनेगा, तो ये भी एक गलत तरीका ही है बनाने का। लेकिन जो ये सामने वाली दीवार है, इसमें जो ग्रूव है ये प्रॉपर वे से बनाया गया है, और ये जब इसमें प्लास्टर होगा, इसमें एक तो फिलिंग हो गई है पूरी, मतलब जो भी ब्रिक वर्क हुआ है उसमें फिलिंग हो गई, बाद में ग्रूव बन गया। जब इसमें प्लास्टर आएगा, अगर आप इसमें 10 mm भी प्लास्टर करेंगे, मतलब आधा इंच का भी हमारा प्लास्टर चढ़ेगा, तो वो प्रॉपर वे से हो जाएगा आपका, कभी उसमें
प्लास्टर ना तो क्रैक दिखेंगे ना तो वो गिरेगा, और सामने जैसे आप दोबारा देख रहे हो। तो एक आपको हमेशा प्रैक्टिस रखनी है, जब भी आप प्लास्टर करवाओ आपका ग्रूव होना चाहिए। ऐसा कभी अपने कॉन्ट्रैक्टर को नहीं करने दो या मिस्त्री आपने को ऐसी चीज़ करने दो। और इस वीडियो के साथ एक और चीज़ मैं अटैच करूँगा कि जब भी मतलब जॉइंट बनाओ कॉलम और ब्रिक वर्क में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बाहर जाके, कि जैसे वो सामने हमारा कॉलम दिख रहा है उसमें कॉलम और ब्रिक वर्क में हमेशा वायर मैश यूज़ करनी है आपको। जॉइंट जहाँ अभी आएगा वहाँ कंक्रीट और ब्रिक वर्क का जहाँ भी जॉइंट आएगा, जो चिकन मैश बोलते हैं जिसको, जो जहाँ आपने देखा होगा मार्केट में भी जहाँ मुर्गे रखे होते हैं जिसमें हैन वगैरह, तो उसमें जो मैश यूज़ की जाती है वो मैश मार्केट में इसी काम के लिए भी लाई जाती है। वो आपको दोनों तरफ तीन तीन इंच चढ़ा के फिर आपको प्लास्टर करना है। तो सामने आप देख रहे हैं हमारा एक मतलब कास्टिंग हुई है जिसमें क्या हुआ है सॉइल फेस, मतलब कंक्रीट हमारा सॉइल फेस पे ही कर दिया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये ऐसा आपको करना ही नहीं है, क्योंकि मतलब जो रेनफोर्समेंट होगी वो इससे क्या होगा क्रोजन पकड़ लेगी या इसमें डैमनेस या मतलब स्ट्रक्चर वीक होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो कभी भी सॉइल फेस पर आपको कंक्रीट करना ही नहीं है, मतलब वहाँ पहले शटरिंग प्रोवाइड कर लो अच्छे से, मतलब एक्सकवेट कर लो एरिया को, सामने देख रहे हो वहाँ सीधा मतलब कंक्रीट कर दिया, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक है हमारी, जो हमारा कंक्रीट देख रहे हो सामने वो कितने मतलब हाइट से फेंका हुआ है, कभी भी 1.5 मीटर की हाइट से आपको माल नहीं फेंकना, मतलब कंक्रीट ऊपर से नहीं फेंकना। अगर पंपेबल माल है, बूम प्लेसर यूज़ कर रहे हो तो 2.5 मीटर आपको अलाउड है, बाकी यहाँ पर आप अच्छे से शूट प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट करोगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, मतलब सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है, मतलब जो हमारा एग्रीगेट होगा वो अलग हो जाएगा और बाकी मटेरियल अलग। तो इससे क्या होगा उसकी स्ट्रेंथ पे भी काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी पे भी। तो कभी भी बिना मतलब शूट के या पंप बूम प्रेशर के आपको नहीं यूज़ करना है। दूसरा है सामने देख रहे हो हमारा क्रैक क्रिएट हो गया, मतलब स्पाइडर टाइप स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्यों हुआ है, मतलब ये हुआ है मतलब वाटर लॉस, एकदम से पानी गायब हो गया धूप में। मतलब ये आपको क्या करना है, कभी भी समर में अगर 40 से ज़्यादा टेम्परेचर है तो कंक्रीट आपको करना ही नहीं है, मतलब इवनिंग में पॉसिबल तो इवनिंग में कंक्रीट आपको करना है। इससे में क्या हुआ है, मतलब इसको हम क्रेजिंग क्रैक्स बोलते हैं, मतलब एक फॉर्म है क्रैक्स ही, क्रैक क्रिएट हो जाते हैं कि हमारा जो टॉप लेयर होती है उसका मॉइस्चर एकदम से गायब हो जाता है। अगर आपको करना भी है तुरंत उसको मतलब 30 मिनट के बाद आपको पानी प्रोवाइड करना शुरू कर देना, पॉन्ड कर लो या क्यूरिंग उसकी चालू कर दोगे तो ये क्रैक आपको कम मिलेंगे। बाकी इतना इसका इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन ये पॉसिबल हो तो ये क्रैक क्रिएट नहीं होगी अगर आप समर में कंक्रीटिंग इवनिंग में करोगे। तो नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी वायर मैश की, मतलब कभी भी आपको आउटर फेस पे कभी, मतलब अगर बिल्डिंग है या हाउस है उसके आउटर फेस पे कभी भी वायर मैश यूज़ नहीं करनी है। अंदर में आप वायर मैश यूज़ कर सकते हो, आपको पता ही होगा वायर मैश यूज़ क्यों करते हैं हम, कोई भी मतलब दो जॉइंट है वहाँ उनको मिलाने के लिए प्लास्टर में क्रैक नहीं है इसलिए। तो बाहर में क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वायर मैश है वो गैल्वनाइज्ड इतनी अच्छी नहीं होती तो वो क्रोजन पकड़ लेती है अगर पानी में कम, उससे क्या होगा हमारे क्रैक क्रिएट हो जाएंगे प्लास्टर में। तो ये वीडियो मैंने अच्छे से वीडियो डाली हुई है इस पर, आप देख सकते हो वायर मैश पे। तो हमेशा याद रखना का बाहर में आप वो फाइबर यूज़ कर सकते हो 6 mm 12 mm प्लास्टर में, इसको नेगलेक्ट करना है। जो नेक्स्ट मिस्टेक मैं आपको दिखा रहा हूँ वो स्टील रिइंफोर्समेंट में, सामने आप देख रहे हो हुक है ये हमारी। पहले तो मैं बता दूं हुक प्रोवाइड करते क्यों हैं हम, मतलब हमारी बकलिंग को, बकलिंग ना हो कॉलम में उससे, जहाँ स्प्रेडिंग ना हो कॉलम स्प्रेड ना हो जाए, जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार्स हैं उनको पोजीशन रखने के लिए हम हुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो हुक सामने देख रहे हो मतलब बेंड की ही नहीं है, ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है कि हुक को बेंड करते नहीं है। तो ये आपको चेकिंग के दौरान ज़रूर ध्यान देना है कि आपकी हुक बेंड होनी चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी सेग्रीगेशन की, मैंने पहले भी बात की। तो सेग्रीगेशन क्या, हमारा जो देखो जो एग्रीगेट है वो अलग हो गया है, मतलब सीमेंट अलग हो गया, सैंड अलग हो गया, तो ये काफ़ी इफेक्ट करता है उस पर, मतलब हमारी स्ट्रेंथ पे उसकी। तो हमेशा आपको वही कंक्रीट यूज़ करना है, सामने हमारी कंक्रीटिंग की उसी माल से। तो क्या हो रहा है देखो, एग्रीगेट अलग हो रहा है, इसमें क्या होगा बाद में हनीकॉम निकलेगा और वॉइड्स रह जाएंगे और ये स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस बहुत बड़े हैं। अगर आप वाइब्रेशन भी करोगे तब भी इसको अच्छे से देख सकते हो, तो आपको ध्यान देना है जो आपका एग्रीगेट है वो प्रॉपर साइज है, सीमेंट की रेशियो प्रॉपर डाल रहे हो आप या पानी वाटर उसमें प्रॉपर डाल रहे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी, जैसे ही मतलब वाइब्रेट किया तो शटरिंग की मिस्टेक है, कभी भी स्लरी बाहर नहीं आनी चाहिए। फोम प्रोवाइड करो या मतलब शटरिंग अच्छे से करो तो आपकी स्लरी बाहर नहीं आएगी। अगर स्लरी बाहर आ गई मतलब सीमेंट बाहर आ गया तो उसमें भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है साइड पर, तो ये चीज़ आपको चेकिंग के दौरान ज़रूर ध्यान देनी है।
नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी, देखो यहाँ क्या किया हुआ है, स्टील सामने देख रहे हो, स्टील काट दिया, मतलब कॉर्नर का स्टील का कोई लैप ही नहीं है, मतलब ये अलग है, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। मतलब कभी भी कॉर्नर पे जहाँ तो एक्स्ट्रा प्रोवाइड, ड्राइंग में भी दिया होता है कि एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किए होते हैं, और जहाँ मतलब डेवलपमेंट लेंथ कितना आपको वहाँ पे लेंथ चढ़ानी होती है, तो कभी भी कॉर्नर पे स्टील कट नहीं करना है, मतलब उसका जॉइंट होना ही चाहिए एक। तो आज बात करते हैं हॉकिंग क्या होती है। हॉकिंग क्या है, मतलब एक आप सामने जो देख रहे हो जैसे एक कॉलम है, तो इसमें ऐसे निशान आपको दिख रहे हैं, ये क्या किया गया है, इस पर एक मतलब रफ़ सरफेस बनाया गया है, एक चीज़ल की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, रफ़ बनाते हैं इस सरफेस को। क्यों रफ़ बनाते हैं, हॉकिंग का मतलब ही वही हो गया कि सरफेस को आपको चीज़ल से उसमें खड्डे जैसे जैसे आप सामने देख रहे हो वैसे बनाने हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में इस पर कभी प्लास्टर या पुट्टी करेंगे तो वो प्रॉपर से एक बॉन्ड बना ले प्लेन सरफेस के साथ, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगी पपड़ी बन के या उसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। तो होता क्या है, जब हम शटरिंग वगैरह करते हैं तो प्लाई की शटरिंग या एमएस की शटरिंग रहती है, तो उससे क्या एक्सपोज एरिया निकलता है, कॉलम की बात करें या बीम की बात करें या स्लैब की बात करें, तो अगर हम उस पर प्लास्टर या पुट्टी करेंगे तो वो उस पर बॉन्ड अच्छे से नहीं बनाएगा और निकलेगा ज़रूर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस अपनाया जाता है हॉकिंग। ऐसे तो साइट पे लेबर लैंग्वेज में तो कुछ भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो मतलब हम टेक्निकल वे से बोलें, इसे हम हॉकिंग बोलते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्लास्टर वगैरह करना है। अगर हम बात करें इंटरव्यू में इसमें से क्या क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो वो पूछा जाता है कि आपको हॉकिंग कितने, मतलब अगर हम बात करें ये जो आप डॉट्स देख रहे हो उसकी विड्थ लेंथ डेप्थ इतने स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो हम बात करें तो इसकी जो डेप्थ आपको रखनी है 5 से 10 mm इसकी डेप्थ होनी चाहिए, और इनमें स्पेसिंग कितनी 25 mm आपको स्पेसिंग रखनी है एक डॉट से दूसरे डॉट तक, मैं इसको डॉट बोलूँगा। और हम बात करें अगर एक स्क्वायर मीटर हम एरिया लेते हैं पूरे कॉलम का या स्लैब का बीम का, एक स्क्वायर मीटर एरिया में 300 से 350 नग उसमें आने चाहिए, ठीक है, ये हो गया हॉकिंग का। दूसरा अगर हम फुट स्क्वायर फुट में बात करें, तो स्क्वायर फुट में 28 से 32 नग मतलब एक चीज़ल के निशान होने चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल होगा उसमें, जब हम प्लास्टर या पुट्टी करेंगे तो वो अच्छे से उस पर टिका रहेगा, अगर कम करेंगे तो उसके करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हो गया हमारा इसका एडवांटेजेस कि हम करते क्यों हैं क्या है। एक इसके डिसएडवांटेजेस भी निकल के आती है, वो डिसएडवांटेजेस क्या है कि जब हम एक हॉकिंग करते हैं तो आपको हमेशा 2 से 3 दिन का गैप ले लेना है। डिफ़िकल्ट होगा हॉकिंग करना क्योंकि वो जो कंक्रीट होगा वो सेट हो चुका होगा अच्छे से, लेकिन तभी इसमें जो माइनर हेयर लाइन क्रैक्स होते हैं वो आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। हॉकिंग का एक डिसएडवांटेजेस यही है कि उसमें जब हम हॉकिंग करते हैं और प्रॉपर वे से नहीं करेंगे जैसे मैंने बताया आपको, तो उससे क्या होगा, कॉलम में छोटे छोटे हेयर लाइन क्रैक्स आ जाते हैं और वो स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत वीक बना देते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। लेकिन इसका एडवांटेजेस यही है, काफ़ी टाइम क्या देखा जाता है, गलती की जाती है, जैसे कॉलम बड़ा खुला तो तभी उसका हॉकिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है, वो गलत चीज़ है। आपको मैंने जैसे कहा 2 से 3 दिन ले लेना है और फिर उसके बाद हॉकिंग करेंगे तो हेयर लाइन क्रैक्स के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन तब भी चांसेस रहते हैं हेयर लाइन क्रैक्स आने के, लेकिन चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं।